मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू चैप्टर 1 ऑफ मैथ। न्यूमरल्स। व्हाट इज न्यूमरल्स? ए सिंगल डिजिट और ग्रुप और डिजिट रिप्रेजेंटिंग नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। एग्जांपल 2, 300, 500 etc. 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? सिंगल सिंगल डिजिट है। 123 ग्रुप डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 6512 तो क्या लिखेंगे? 6512। रीड द एबाकस एंड राइट न्यूमरल एंड नंबर नेम। यहाँ इसका न्यूमरल्स लिखेंगे। ये थाउजेंड प्लेस में कितने बिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे। 100 प्लेस में 3 बिट्स है इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 10 से प्लेस में 1, 2, 3, 4 बिट्स है इसलिए यहाँ हम 4 लिखेंगे। 1 प्लेस में 1, 2, 3, 4 बिट्स है इसलिए यहाँ हम 4 लिखेंगे। इसका नंबर्स नेम होगा 5344। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,344। अब यहाँ पे 4 इज इन द वंस प्लेस। 4 क्या किस में है? वंस प्लेस में है। फिर ये 4 है टेंस प्लेस में। तो 4 इज इन द टेंस प्लेस। ये 3 है 100 प्लेस में तो 3 बिट से 100 प्लेस में है तो 3 इज इन द 100 प्लेस। और 1000 प्लेस में 5 है, 1000 प्लेस में 5 बिट्स है तो 5 इज इन द 1000 प्लेस। दस द न्यूमरल 5344 इज इन द एबाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2362। तो यहाँ 2362 है तो 2 इज इन द वंस प्लेस तो 2 इंटू 1 2। 6 इज इन द टेंस प्लेस, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। 3 इज इन द 100 प्लेस, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। 2 इज इन द 1000 प्लेस तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 तो 2362 हुआ। तो इसका 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो 6 टेंस प्लेस में है तो कितना होगा? 60। तो आंसर इसका क्या होगा? 60। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2348। 2348 तो 8 इज इन द वंस प्लेस इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। 4 इज इन द टेंस प्लेस इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। 3 इज इन द 100 प्लेस इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300। 2 इज इन द 1000 प्लेस इक्वल टू 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000। तो इसका क्या होगा? 2348। तो इसमें 3 का प्लेस वैल्यू निकाला है तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 300। ये किस प्लेस में है? तो 100 प्लेस में है। वंस टेंस 100 इसका आंसर होगा 300। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। 4318 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। 1000 याद करो, 1000 प्लेस में क्या है? वंस
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड प्लस में फोर है तो यहाँ पे हम फोर लिखेंगे, हंड्रेड, हंड्रेड प्लस में क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड में थ्री है तो इसलिए हम थ्री लिखेंगे, टेंस, टेंस प्लस में क्या है, वंस, टेंस, वन है तो यहाँ हम वन लिखेंगे, और वंस, तो वंस प्लस में क्या है, तो एट, तो इसलिए हम एट लिखेंगे, यहाँ फोर थाउजेंड, यहाँ थ्री हंड्रेड, वन टेन है तो यहाँ टेन और एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर, व्हाट इज सक्सेसर, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर पार्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। तो 3644 का यहाँ सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला नंबर, तुरंत बाद में जो नंबर आता है उसको लिखना है, तो 3645, और 999 का क्या होगा इसके बाद वाला नंबर, 1000। प्रेडिसेसर, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर ए पार्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर, मतलब जो भी नंबर के पहले जो नंबर आता है तुरंत पहले उसको प्रेडिसेसर कहते हैं, तो 7884 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 7883। 5626 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 5675। प्रैक्टिस एट होम, थैंक यू।